हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। मी टू हुआ था तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो पूरा, आपको पता है कि हर किसी का नकाबपोश हो गया कि जितने लोग जुड़े थे इस इंडस्ट्री से। भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उस चीज के बारे में अगर आशा जी आज पवन जी के बारे में बोली है, आप कह रही हैं कि ठीक है ये गलत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी होता है? वो कोई भी इंसान हो, बोलना जरूरी होता है। ठीक है, आप, मैंने तो ये भी बोला ना कि आप बोलिए, लेकिन ऐसे मीडिया के सामने आ करके अपनी रेपुटेशन की वाट लगाओ, दूसरे की रेपुटेशन की वाट लगाओ, ये गलत है, तब गलत है। आज आप उनका एक और मैंने सुना था एक लाइन कि मेरी पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे गानों के बहुत व्यूज जाते हैं। मुझे जहाँ तक पता है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती उनकी गायकी के बारे में, क्योंकि अभी अभी उन्होंने गाना स्टार्ट किया है, तो उनका पहला गाना भी पवन जी ने ही उनसे एल्बम में गवाया था, राइट? शायद बोलबम का गाना था, पवन सिंह के गाना बजा के मे भी ये था, मुझे याद नहीं है शायद। तो जिस इंसान ने आपको गायकी सिखाई है, जिसके चलते आप आज एल्बम्स कर रहे हो, उसने तो एक बार भी नहीं बोला ऐसे ऑन मीडिया के कि यार मैंने उसको गायकी सिखाई, वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही। उसने तो कभी ऐसा नहीं बोला। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं मानती हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, सारी चीज़ें, आप FIR करो, करो, लेकिन ऐसे मत करो ये जो आप बेइज्जती करा रहे हो सारे लोगों की, ये मत करो, बस इतना ही मेरा। अच्छा, आमतौर पर ये भी पूछना चाहूँगा कि एल्बम्स की बात कर लें, आप एल्बम्स में काम करती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो माहौल है पैसे को लेकर, मतलब बहुत कम पेमेंट होता है आर्टिस्ट का, मेहनत वो भी करते हैं, नाम भी होता है उनका, लेकिन ये सब जो माहौल है, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि, और बजट भी कम होता है, ये सब चीज़ में थोड़ा इसका मेन रीज़न वही है जो बताया ना मैंने कि वो जो पिलर्स और जो गोल बना के सब ने रखा ना, मेन रीज़न यही है। अभी क्या होता है, तीन टाइप की फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की। तो ए ग्रेड की फिल्में जो होती है वो तो हमारे स्टार्स को लेके बनती है, जहाँ की उनकी ही हीरोइनें होती हैं, उनके ही सारे लोग होते हैं, वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं होती। तो बच गया हमारे पास बी ग्रेड की फिल्में। और ए ग्रेड की फिल्मों की रिकवरी ऑलमोस्ट जितना खर्चा होता है उतना मे बी हो जाता होगा रिकवरी, और जो बी ग्रेड की फिल्में बनती है उसकी रिकवरी नहीं होती। और जब रिकवरी नहीं होगी तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहाँ से पैसे देगा? अपने घर से तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है। और एक और बात बोलना चाहूँगी अपने तरफ से, जब भी कोई लड़की आवाज़ उठाती है किसी के खिलाफ, पिछली बार भी जो सीन हुआ था कि खेसारी जी का और प्रियंका जी का जो भी विवाद था, मुझे नहीं पता क्या था, उसके बाद भी देखिए कौन कहाँ है, वो वहीं के वहीं स्थिर हैं, और जिसने आवाज़ उठाया वो कहाँ पहुँच गई है, कुल आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि अगर तुमने सच बोला, अगर तुमने मुंह खोला, तो हम तुम्हारी वो स्थिति कर देंगे, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे और तुम्हारा मतलब भाव एकदम नीचे गिरा देंगे हम कि तुम घर बैठ जाओ, ये स्थिति हो जाती है यहाँ। और ये भी जानना चाहूँगा, इतने सालों से जुड़ी है, इतनी मेहनत कर ली है, तो वो रिटर्न मिल पाया आपको जो आपने मेहनत की है इतने सालों से, आर्थिक तौर पर या जो आप पहचान चाहती थी उतना संतुष्ट हैं? मैं अपने पहचान से बहुत खुश हूँ, मेरी इतनी पब्लिक मेरे पास है जो मेरे लिए हमेशा रहती है, और मैं इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने एल्बम से, अपने स्टेज शो से बहुत संतुष्ट हूँ, और फिल्मों से मुझे ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, फिल्में बीच बीच में करती रहती हूँ, छोटी मोटी फिल्में, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं कर सकती, किसी के साथ जाके बैठ नहीं सकती, उसके साथ दारू नहीं पी सकती, टाइम पास नहीं कर सकती, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े स्टार्सों के साथ फिल्में नहीं कर पाती हूँ। और जो मेरे पास सामने से फिल्में आती है, फिर चाहे वो स्टारों की फिल्म हो या नॉन स्टार फिल्म हो, नए लड़के की फिल्मों में मना नहीं करती, मैं सारी फिल्में करती हूँ। तो मैं, मुझे जितना मिला है इंडस्ट्री से या जितना मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.